पॉलिटिकल वर्कशॉप में चुनाव की आहट झलकती है। जब चुनाव का समय करीब होता है तो इस तरह की कार्यशाला शुरू होती है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राजनीतिक पार्टी के लोग अब विधानसभा की तैयारी में जुटे हैं। उसी की आहट है विधानसभा कार्यशाला। समझो चुनाव की तैयारी। विकासात्मक कार्यशाला चुनौतीपूर्ण नहीं होती, जबकि राजनीतिक कार्यशाला चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि उसमें चुनाव जीतने की ललक होती है। जीतने के बाद वह ललक खत्म हो जाती है। जितनी चुनाव की चिंता होती है उतनी उत्थान की नहीं। जिले में 1,00,000 सदस्य बनाएगा भाजपा। संकल्प के साथ भाजपा के वजीरगंज विधानसभा कार्यशाला संपन्न। राजनीतिक कार्यशाला के जरिए जिले में 1,00,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य, भाजपा के जिला अध्यक्ष ने कहा। गया जिले के वजीरगंज के रामानुग्रह हाई स्कूल के कामता भवन में भाजपा के वजीरगंज विधानसभा के कार्यशाला आयोजित किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा ने किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा ने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए 1,00,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सह नालंदा के प्रभारी क्षितिज मोहन सिंह ने कहा कि सदस्यता अभियान को व्यापक पैमाने पर चलाकर पार्टी को मजबूती देना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा सदस्यता के जरिए संगठन को और ताकतवर बनाना पार्टी की पहल है, जिस पर कार्य किया जाना है। इसी क्रम में पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सदस्यता अभियान को सफल बनाने में हम सब जुटे हुए हैं, ताकि पार्टी और भी मजबूत हो सके। कार्यशाला में चारों मंडल के प्रभारी, शक्ति केंद्र बूथों के प्रभारियों ने भाग लिया, जिसमें अधिक से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी संकल्प के साथ राजनीतिक कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यशाला में अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। बड़ी संख्या में भाजपाई कार्यकर्तागण कार्यशाला में जुटे। इस कार्यशाला में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य क्षितिज मोहन सिंह, सदस्यता जिला प्रभारी सह जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र राम, पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह, पूर्व MLC अनुज कुमार सिंह, जिला महामंत्री राजेश कुमार, मंडल अध्यक्ष विनय सिंह सहित विनोद सिंह, नरेश सिंह सहित अन्य भाजपाई नेताओं व सक्रिय कार्यकर्ताओं ने शिरकत किए। इस तरह से सदस्यता अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का लक्ष्य है।
औरंगाबाद गया और जहानाबाद पुरजोर तरीके से जीतने का काम किया, ये आप लोगों का देखें। इसलिए मित्रों मैं एक ही आग्रह करता हूं कि जिस तरह से तेजी से गया का संगठन, गया के कार्यकर्ता और गया का लोग जिस प्रभावी ढंग से, जिस अनुभव से संगठन में काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, एक लाख का भी लक्ष्य ज्यादा नहीं है और उस समय पर पूरा होगा। अपने प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के सामने आग्रह करके एक पुरजोर तरीके से आपका आवाज के साथ, आपका शक्ति के साथ मैंने इस बात को रख दिया, ये लक्ष्य 11 अगस्त को है, लेकिन 3 अगस्त के 30 जुलाई को गया जिला कमेटी जो है इसको पूरा करके आपके सामने रख देगा। इसलिए आप लोगों को लगता होगा कि 1 लाख का लक्ष्य 10 विधानसभा है, 10,000, और 10,000 में भी जो भी लोग बैठे हैं उनको लगता होगा कि 10,000 पूरा कैसे होगा। सारे लोग अपने दिमाग पर जोर देना चालू कर दिए होंगे कि जिला भाई को बोल, किसको तो बोलना है, सारे लोगों को बोलना है, और 1 विधानसभा में 10,000। मैंने कहा कि 1 मंडल में 2,000, सबसे घटा करके मैंने ये लक्ष्य को रखा है कि 1 विधानसभा में 10,000 किया जाए, ताकि दिमाग पर जोर न पड़े, मेहनत में ज्यादा जोर न पड़े, और इसको हंसते खेलते हम लोगों को काम करना, इसको एक मतलब कि उत्साह के रूप में लेना है कि हमको संगठन का काम 5-6 दिन में कर देना है। अगर जो बोला ठीक है दर्जी करना तो है, करना है, इन लोग भी भाई काफी तरीके ने मजाक चलते रहता है, आप कितना करेंगे? हमने कहा कि आप लोग जो भी भाग कर देंगे मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि जब हम लोग पार्टी में पद धारी है, पद लिए हुए हैं, और जब हम लोग नहीं करेंगे तो अपने मंडल के और मोर्चा के सभी पदाधिकारी से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमने सभी जगह जहां भी कार्यशाला चल रहा है या हो रहा है या आगे होने वाला है, मैंने कह दिया कि पूरा रिपोर्टिंग उस दिन आना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर, आप बाजार में ही, जहां पर ज्यादा लोगों का आवाज, मंच मोर्चा के जो भी अध्यक्ष है उसी तरह से अपना अलग अलग बैनर लगा करके, वो भी अलग स्थान चिन्हित करके, चाहे गांव में चले जाए, पदाधिकारी या कार्य समिति के लोग हैं वो जरूर पहुंचे। युवा मोर्चा है तो युवा मोर्चा पूरा टीम के साथ अपना बैनर बना करके कहीं दूसरे स्थान पर है तो अपना बैनर लगा दे, महिला मोर्चा हो तो महिला मोर्चा भी लगा, इस तरह से इस कार्य को करना है। उस दिन निश्चित रूप से लगे कि पार्टी का कोई कार्यक्रम एक उमंग, एक पर्व के रूप में पूरे कार्यकर्ता मना रहे हैं, उत्साह के रूप में, उमंग के रूप में, बल्कि दिमाग पर कोई जरा सा भी भार न लेते हुए इस कार्य को करेंगे। उसके बाद पूर्व के अध्यक्ष ये लोग बैठे हैं, इन लोग को भार नहीं होगा, इन लोगों का भी लक्ष्य। अब पूर्व विधायक वीरेंद्र बाबू है, चाहे जिस रूप में हो, ये पार्टी का निर्देश है, ये संगठन का निर्देश है, इन लोग भी बैठक में गए होंगे, इन लोग को भी लक्ष्य मिला। इसलिए यहां पर जितने लोग बैठे हैं सबको ये लक्ष्य मिला है और सब लोग इसमें लगे हुए हैं। जितना अधिकार पार्टी में आपका है उतना ही अधिकार मेरा है, उतना ही अधिकार प्रदेश अध्यक्ष जी का है, उतना ही अधिकार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और इसीलिए हम लोग काम करते हैं। आज पूरे दुनिया में इतना बड़ा संगठन है क्या कोई? इतना बड़ा संगठन अगर जो पूरे विश्व में है तो आपकी पार्टी है, आपका संगठन है भारतीय जनता पार्टी। आपको हर हालत में 6 जुलाई को एक पर्व के रूप में, एक उत्साह के रूप में ये मान करके चले कि हम लोगों को उस दिन निश्चित रूप से हर जगह अपने अपने मंच मोर्चा मेल मिल के अपने सम्मानित माननीय लोग हर जगह अपना अपना बैनर लगा करके इस कार्य को करेंगे और बैनर प्रदेश को ये स्वास्थ्य
साथ दिलाया है तो महागठबंधन संगठन के साथ है, इसको कोई रोक नहीं दे सकता। जितने मित्रों विकास को करना है, मानपुर में मेरा भी छोटा सा घर है, वहाँ स्टोर लगा करके 11 बजे से हम भी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। और विश्वास दिलाता हूँ अध्यक्ष जी को कि जो सबसे अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोग हैं, सभी समाज के सभी धर्म के लोग को सदस्य बना करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और दोस्तों, चूंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव होता है तो जो वोटर हैं उससे हमारे कार्यकर्ता ही जाके संपर्क करते हैं, तो सबसे बड़े कार्यकर्ता और वोटर के बीच में संपर्क करके लोग विधायक एमपी बनाते हैं। इसलिए मैं वोटर और कार्यकर्ता सबको अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और सदस्यता अभियान में आपका सहयोग अध्यक्ष जी, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग, सभी समुदाय के लोग को जोड़ करके सदस्यता अभियान को सफल बनाएंगे। और नरेंद्र मोदी के जो भारत माता की पुकार है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सदस्यता महापर्व के अभियान के रूप में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, और आज के बाद 6 तारीख से सदस्यता शुरू होने वाला है, उसमें सभी लोगों को लगना है, इसीलिए सभी लोगों को आज आमंत्रित किया गया था। आज के बाद हम सदस्यता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ सदस्यता करेंगे, कैसा करेंगे, और उनके जितने मंच मोर्चा है उनको सदस्यता करना है तो वो अपना कैसा रणनीति बनाए ये माने रखता है। युवा मोर्चा कैसे करेंगे, किसान मोर्चा कैसा करेंगे, महिला मोर्चा कैसे करेंगे, ये विशेष रूप से जो है ध्यान देने वाली बात है कि अन्य मोर्चा के लोग कहाँ और कैसे और किस रूप में योजना बनाए, ये योजना बनाने की आवश्यकता है। सारे लोग इस बात से बोल चुके हैं कि सदस्यता जो है करनी है, कितना बढ़ाना है, कितना होना चाहिए, ये सारे लोगों ने प्रकाश डाला है। गर्मी का मौसम है, बरसात का भी समय है, अपना खेती गृहस्थी भी है, अपना व्यवसाय भी है, ये सारे कामों को देखते हुए अपना सदस्यता अभियान भी चलाना है। मेरा आग्रह यही होगा कि समय निकाल करके जो आप योजना बनाएंगे, इस मंच पर बैठे हुए जितने लोग हैं, आपके योजना के हिसाब से जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं और जो मंडल अध्यक्ष जो रणनीति बनाए हैं, उसमें सारे लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं, कहाँ कितना सहयोग काम दे सकते हैं, इसकी आवश्यकता है। और आज ये बड़ा ही गर्व की बात है, सारे लोगों ने अभी आवाज दिली, बार बार जो है प्रकाश डाल रहे थे, 300 से 303 तक जो है हम यात्रा किए। एक समय था 85 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ढूंढने पर भी जो है नहीं मिलते थे, उस परिस्थिति में कुछ लोग यहाँ काम करने वाले हैं, जैसे विद्यार्थी परिषद के रूप में अगर हम नाम लेते हैं तो हरेराम भी यहाँ बैठे हुए हैं, कॉलेज के जीवन में ये विद्यार्थी परिषद के सदस्यता करने के लिए आपको 82 की बात करते हैं, उस समय हम लोगों को पकड़ करके अगर सदस्यता किसी ने करवाया था तो वो हरेराम जी ने यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद 85 और 86 में जब ईश्वर चौधरी के लिए काम करने की बात आई तो हम लोग विद्यार्थी परिषद में रहते बैठे और ईश्वर चौधरी के लिए जो है 86 में हम लोग जो है काम किए थे, और लगातार दो चुनाव जो है चुनाव होते गया उसमें हम लोग जो है काम किए थे। उस कठिन परिस्थिति में जब काम कर चुके हैं तो आज 303 है, जब 3 था तब हम काम करके जो है यहाँ तक पहुंचे हैं, आज 303 है। इसीलिए आपके मुकाबला करने वाला आज इस देश में कोई नहीं है, आप आगे बढ़े, आपको सदस्य बनने के लिए लोग भूल रहे हैं, चाह रहे
जब हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हम कहां बने, कैसे बने, किससे बने। अरे अनुज बाप ने कहा कि मैं अपने घर के सामने स्टॉल लगाऊंगा। इसी तरह से हर कार्यकर्ता जो रहा है वही चयन कर ले कि हमको 25 यही खड़ा होकर के बना देना है, हम यही स्टॉल लगा करके बना देंगे, वही जो बन जाएगा। ये भारत की परिस्थिति है, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। आज ऐसी परिस्थिति है और उसका भेद है एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र और 5 वर्षों का जो कार्यकाल है जिसमें सारे मंत्री बेकार निकले और तब की अधिक परीक्षा में हम पास होकर गए और तुम्हारे फिर गद्दी पर बैठे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। हम ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो घर से जाकर के गांव में गलियों में दलितों के बीच में कह सकते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आपको सदस्य बनाने के लिए आए हैं। अगर आपको हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी, हमारे लोग, हमारे प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं तो आप हमारे पार्टी के सदस्य बने। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि कोई आदमी आप पर अंगुली नहीं उठाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि सभी मंडल अध्यक्ष से मैं आग्रह करता हूं कि जो आप योजना बनाएंगे, जो दायित्व देंगे, उस दायित्व का निर्वहन करूंगा। क्योंकि नालंदा जिला भी हमारे जिम्मा में मिला हुआ। आपने लीड कराने का काम किया, मैं तो मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए, लेकिन मुझे बहुत बड़ा कष्ट हुआ कि बुजुर्गंज विधानसभा के बैठक में बेंच और कुर्सी इतना संख्या में लोग बैठते हैं कार्यकर्ता कि बाहर से मनाना पड़ता है कि घट के आओ लो, लेकिन आज बेंच खाली है। इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। 95 से मैं देख रहा हूं, 95 से मैं चुनाव लड़ रहा हूं विधानसभा का। जिस समय वजीरगंज के 89 बूथ अत्रि विधानसभा में था और आज भी जहां पर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं यह गांव अत्रि विधानसभा में था पहले। लेकिन कभी काल ऐसा होता है कि हम लोग के बैठक में और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष लोग हैं, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि आपके मेहनत के बल पर चुनाव के दिन हम लोग को, पार्लियामेंट चुनाव के दिन हम लोग को बहुत झेलना पड़ा कि जो वोटर जाते थे वो पूछते थे कि कमल फूल रही है, कहाँ है कमल फूल। लेकिन उसके बाद भी आपने एक ऐतिहासिक लीड देने का काम किया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाला बैठक में आज का बैठक का पुनरावृत्ति न हो। जो पहले सदस्य बन चुके हैं हर विधानसभा में, वजीरगंज विधानसभा में भी उसका एक लिस्ट हम लोग को मिलना चाहिए। उस लिस्ट से हम लोग को जानकारी हो जाएगा कि आखिर कौन कौन हमारे सदस्य बने हैं और उसके अलावे हम लोग नया सदस्य बनाने का काम करेंगे। इसका जानकारी अवश्य होना चाहिए। भोजन भी तैयार है। मैं खास करके भाषण से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, काम करने का समय। अभी सारे मैटर को विस्तार से रखे हैं हमारे संगठन मंत्री जी और हम लोग भी क्षेत्र में जाएं और चले क्षेत्र में, काम छिपता नहीं है। काम सिर्फ भाषण देके चल गए घर में बैठ गए उससे काम नहीं होता है। काम बाजार में नजर आता है, क्षेत्र में नजर आता है, इसलिए काम छिपता नहीं है,
काम करने की आवश्यकता है। जितना टारगेट बनाया गया है, मुझे उम्मीद है कि हम लोग सब मिलके आपस में संगठित होके इस टारगेट को पूरा करने का काम करेंगे। आज वजीरगंज विधानसभा में भाजपा का कार्यशाला आयोजित किया गया, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? आज वजीरगंज विधानसभा में कार्यशाला का जो आयोजन किया गया है वो आगामी सत्र के लिए जो है कार्यशाला हुआ है, जो हमारा सदस्यता जो है 6 जुलाई से शुरू होने वाला है, वो पूरे देश में जो है वो सदस्यता चलेगा। और सदस्यता के दृष्टिकोण से आज कार्यशाला हुआ है, जिसमें हम बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता को आमंत्रित किए और आज बुलाए हैं। उस कार्यशाला में जो है आज सदस्य कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, किनको किनको बनाया जाएगा और कितना सदस्यता जो है बढ़ाना है, वो सारे विषयों पर आज हम जो है चर्चा किए हैं। और हमारा जो एक व्यवस्था है राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का, जिला स्तर का, मंडल स्तर का, उसको हम विस्तार करते हुए अब हम बूथ स्तर तक जा रहे हैं। तो बूथ स्तर तक जो है हम सदस्यता कैसे करेंगे, उसके बाद हम पन्ना प्रमुख कैसे बनाएंगे, ये सारे विषयों पर आज हमने चर्चा किया है। और चर्चा करके अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि आप जो है अधिक से अधिक संख्या में जो है सदस्य बनाएं। सदस्य बनाने के दरमियान आप जो है लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो दूसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं उनके कार्यों का आप जो है क्षेत्र में चर्चा करें, गाँव में चर्चा करें और आमंत्रित करते हुए आप उनको सदस्य बनाएं। ये आग्रह करने के लिए हमारे कार्यकर्ता गांव में कैसे जाएंगे, कैसे सदस्य बनाएंगे, उसके लिए आज हम कार्यशाला किए थे। और निचले स्तर तक का जो हमारा कार्यकर्ता है, जो गांव में काम करता है, बूथ पर काम करता है, आज हम उसको बुलाए थे, उसको आमंत्रित किए हैं, हम उससे आग्रह किए हैं। और 6 जुलाई से बेहद ऊपर पूरे देश में एक साथ शुरू करने जा रहे हैं सदस्यता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो इस वजह डिजिटल सदस्यता चला रहे हैं, क्योंकि मोबाइल से आपका सदस्यता होने वाला है, वो कागज़ पर जो होते, तो ये डिजिटल सदस्यता कितना प्रभावकारी होगा? प्रभावकारी होगा, इसलिए पिछले बार भी इसी तरीका से हमने किया था और पूरे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम उभर करके आए थे। इतना सदस्य जो है किसी के पास नहीं बना था, जितना सदस्यता पिछले बार हम इसी तरीका से बनाए थे, इस बार जो है 20% से लेकर 30% तक बढ़ाना है। नए सदस्य को बढ़ाएं, पुराना जो सदस्य है वो रहेंगे, नए सदस्य को हम जो है बनाएंगे तो 30% तक बढ़ाना है। तो सदस्यता का आश्रम हुआ वो कितना प्रभावकारी होगा? और एक सबसे बड़ी चीज उसमें है कि डिजिटल सदस्यता करने जा रहे हैं, मोबाइल से करने जा रहे हैं, ये कितना प्रभावकारी होगा? बहुत ज़्यादा होगा। वजीरगंज विधानसभा में पूरे गया जिला ये अलग सदस्य बने गए, मोबाइल से बने गए साधारण सदस्य, और यहाँ 10 से 15 हज़ार सदस्य बनेंगे। और ये लक्ष्य हम लोग 6 जुलाई से प्रारंभ करके 20 जुलाई को समाप्त करेंगे। ये गया जिला का संकल्प है, निर्णय है, आज समाप्त करेगा पूरे गया। इस बार जो है अरे पूरे गया जिला में कितना सदस्य बनाने का लक्ष्य रखे हैं? जो एक लाख सदस्य बनेगा पूरे गया जिला में, साधारण सदस्य जो मोबाइल पर बनेगा और हर बूथ पर बनेगा, 31 बूथ है, सभी बूथ पर बनेगा। और ये आवाज आ रही तो वो शक्ति केंद्रों को जो है मजबूत करना है। केंद्र का मतलब पंचायत, संगठन के दृष्टि से हम लोग पंचायत को शक्ति केंद्र का, और बूथ पर हमको बता दिया ना कि 31 बूथ है, सभी बूथ पर सदस्यता गठन और सदस्यता का कार्यक्रम चलेगा। आप युवाओं में किस तरह का ललक देख रहे हैं जब सदस्यता अभियान के लिए चलेंगे? इसका बोलने की क्या जरूरत है, क्या ललक है, वो तो 303 सीट देख करके अकेले भारतीय जनता पार्टी को युवा दिखा दिया कि ये भारत युवा का देश है और युवा जो चाहेगा वही करेगा, ये युवाओं का ही दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी 303 सीट देख करके पूरे भारत में एक